सो आज आप सबके सामने मिस एंड मिसेस जम्मू सीजन 4 के विनर्स बैठे हुए हैं जिनको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड मेरे साइड लेफ्ट साइड मेरे मिस हैं एंड राइट साइड मेरे मिसेस बने हुए हैं. मिसेस मीनाक्षी महाजन जो कि 23 की विनर हुई है मिस जम्मू मिसेस जम्मू सॉरी एंड मिस आकृति 23 की विनर हुए हैं मिस जम्मू अभी जिसके दीपांशु फर्स्ट रनर अप एंड प्रियंका गुप्ता फर्स्ट रनर अप जो कि विनर्स आपके सामने हैं जो कि इनकी जूरी मेंबर मान्य सिंह जो कि मिस इंडिया 2020 के विनर हैं और बिग बॉस में 3 वीक्स अभी 16 के विनर हुए थे. उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था और इसमें स्पेशल गेस्ट सुप्रीत कौर थी गुरदीप कौर थी और जूरी मेंबर हमारे मान्य सिंह जसमीत रीन आशिमा शर्मा मनमीत सिंह शोहित काजमी सर हमारे चीफ गेस्ट थे इसमें. सो अभी आप सबके सामने मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये हमारे विनर्स आपके सामने हैं और इनको आगे आने वाले टाइम पे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है. बॉलीवुड में इनके ऑफर्स आए हुए हैं पंजाबी सॉन्ग्स में वेब सीरीज में एंड डॉक्यूमेंट्री मूवीज में. सो एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि बाइक ऑन स्टेज पे एक प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे ऑन मीडिया के सामने ऑन जूरी मेंबर के सामने कि टैग नंबर 5 बोला गया मिसेज में बट टैग नंबर 2 आगे आ गया क्राउनिंग के लिए सेशन के लिए वो पूरा हुआ. जूरी मेंबर ने वो चीज की थी उनके ऊपर पर मान्य सिंह ने क्वेश्चन पुट किया कि टैग नंबर 5 विनर हुए है 2 को दिया गया बट 2 से फिर वापस उसी टाइम ऑन स्पॉट जूरी मेंबर के सामने ऑन मीडिया के सामने ऑन चीफ गेस्ट के सामने वापस लिया गया और मिसेस जम्मू मीनाक्षी महाजन को दिया गया. सो ऐसी ऐसी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है तो बट फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स. बाकी क्वेश्चन आंसर आप मिसेस से या मिस से कुछ भी पूछ सकते हैं. आपसे जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं कि ये इवेंट हुआ और आपको एक खिताब मिला और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका भी जैसे एंजल सिंह ने कहा साफ तौर पर दिया जाएगा क्या कहेंगे? इस इवेंट में कितनी आपने मेहनत की और किन का सहयोग रहा आपको? बोलते हैं कि सक्सेस एक दिन की चीज़ नहीं होती है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो आई वुड से कि मेरी जो ये प्रिपरेशन थी बहुत टाइम से ही स्टार्ट हो चुकी थी और बीच में हम लोग को सर का सपोर्ट था इरफान सर का सपोर्ट था एंड अपनी जो कंटेस्टेंट थे उनका भी सपोर्ट था तो आई थिंक अभी वो सपोर्ट मैं माता पिता का सहयोग ही बहुत अहम होता है उसके लिए क्या कहेंगे? आई वुड से कि सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक होता है सबसे बड़ा जो कन्विंसिंग करने वाला जो एक मेन चीज होती है वो कन्विंस करना पड़ता है फॉर दिस फील्ड. सो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा जरूरी था कि इनिशियल स्टेज के लिए ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अपने पेरेंट्स को बताने के लिए आई एम फॉलोइंग दिस. जम्मू कश्मीर इस टाइप के इवेंट्स के लिए कंजर्वेटिव काइंड की सोसाइटी माना जाता है. आपको डिफिकल्टी महसूस हुई कभी जब आपने ये गोल चूज किया? इन द बिगनिंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज़ ऑब्वियसली वी कांट चेंज पीपल माइंडसेट राइट. पर मैं हमेशा अपने आप पे यकीन रखी कि मेरे को जो भी लगता है कि सही है मेरे लिए मैंने हमेशा उसको फॉलो किया. कब से आपका शौक रहा है ये इस चीज में आने का या सडनली आपने इसमें एंट्री डाली है और क्या लगता है कि कहाँ तक आप जा पाएंगे इस चीज में? मुझे अपने काम पे भरोसा है अपने हार्ड वर्क पे भरोसा है और फिर भगवान जाने हम कहाँ तक जाएंगे पर आई विल डेफिनेटली गो टू फोकस ऑन द प्रैक्टिस. पर मैं बचपन से इस चीज के लिए काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी. मुझे बहुत मन था कि मैं पार्टी में पार्टिसिपेट करूँ पर एक डर भी रहता था कि सोसाइटी आपको पहले एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ के लिए एंड इट वॉज लाइक काफ़ी मुश्किल फील है अपने में. तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू टीच योरसेल्फ कॉन्फिडेंस स्टार्ट होकर वॉकिंग.